Welcome or welcome back to my channel. First of all, thank you so much for 1000 subscribers. और आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट दिखाया है इस वीडियो के लिए और आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर कॉमेंट किया मेरी वीडियोज़ पे, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट टू मी. तो इसलिए आज मैं आई हूँ एक और नई फेक वेबसाइट्स के बारे में बताने के लिए. तो आज की वीडियो है लिली अटायर के ऊपर. मैं अपना रिव्यू रखने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो रिव्यू है दिस विल बी द बिगेस्ट एक्सपोज, क्योंकि इसमें ऐसी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि हम आम तौर पर किसी भी वेबसाइट पर हम जब भी परचेज़ करते हैं कोई भी चीज़ तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं. तो इस वेबसाइट पर इन्होंने 80-40% ऑफ दे रखा है. जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन की कुर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पर, जिसको देखकर आपका भी ख़रीदने का मन करेगा. लेकिन जब मैंने और नीचे स्क्रॉल किया तो मेरी नज़र पड़ी अबाउट फेमिना फेब. इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है फेमिना फेब, लेकिन मैंने तो ये लिली अटायर की वेबसाइट खोली थी. तो ये हमारा सबसे बड़ा और पहला रेड फ्लैग है कि इन्होंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फेमिना फेब के बारे में दी है. मैंने इनका अबाउट अस पेज खोला तो इन्होंने कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये जो वेबसाइट है ये लिली अटायर है या फिर ये फेमिना फेब है या फिर ये कब बनी थी और इस ये एग्जैक्टली जो ये वेबसाइट है ये है किस चीज़ के बारे में. और इन्होंने कॉन्टैक्ट अस में भी एक फेक वेबसाइट दिया है, गुड़गांव का कॉन्टैक्ट वाला भी इनका फेक नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो भी फेक है. और वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि ये जो आईडी है वो कैसे फेक है. अगर आप इनका रिटर्न पॉलिसी वाला पेज पढ़ेंगे और या फिर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी म्यावारा या फिर रॉयल कार्ट या फिर Trainify.com के बारे में, तो आपको ये पेज थोड़ा जाना पहचाना सा लगेगा. आपको लगेगा कि आपने पहले ऐसा कुछ पढ़ रखा है. और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये क्यों फील हो रहा था. सेम इनके प्राइवेसी पॉलिसी और इनके अबाउट अस के पेज के बारे में है. तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ टू गेट द बिगेस्ट एक्सपोज. इन्होंने कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स नीचे लिंक दे रखे थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनको खोल के देखें. तो मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम पर क्लिक किया तो मैं शॉपिफाई के ऑफिशियल अकाउंट पर पहुंच गई. ऐसे ही जब मैंने वापस उस पेज पर जाकर मैंने इनके फेसबुक पर क्लिक किया तो अगेन इन्होंने शॉपिफाई का ही अकाउंट लिंक दे रखा है वहाँ पर. और सेम इन्होंने पिंटरेस्ट और ट्विटर के साथ कर रखा है. तो इन्होंने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पर वहाँ पर इन्होंने शॉपिफाई का ऑफिशियल अकाउंट मेंशन कर रखा है. तो हमारा सबसे बड़ा दूसरा रेड फ्लैग ये है कि इन्होंने अपना अकाउंट देने के बजाय इन्होंने शॉपिफाई के लिंक दे रखे हैं. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फेमिना फेब के बारे में थोड़ा और जान लिया जाए कि एग्जैक्टली ये वेबसाइट फेमिना फेब है या फिर ये लिली अटायर है. तो मैंने इसके बारे में गूगल पर जाकर टाइप किया फेमिना फेब ऑनलाइन शॉपिंग और फिर वहाँ पर जाके मैंने इनके कुछ कंप्लेंट्स और रिव्यूज़ वहाँ पर जाके देखे तो मुझे पता चला कि फेमिना फेब भी एक फेक वेबसाइट थी जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यू डाल रखे थे कि आई हैव रिसीव्ड अ रॉन्ग प्रोडक्ट और डैमेज प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं या फिर फेमिना फेब ही लिली अटायर है. तो अब तक आप सभी लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये लिली अटायर है या फेमिना फेब है. तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहले इस वेबसाइट का नाम फेमिना फेब था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये फ्रॉड है उन्होंने अपने कंप्लेंट्स डाली तो इस कंपनी ने क्या किया, अपना नाम फेमिना फेब से चेंज करके लिली अटायर कर दिया ताकि इनका जो ये फ्रॉड सिस्टम है ये चलता रहे. लेकिन एक्चुअली में ये वेबसाइट फेमिना फेब की ही है, इन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया है. तो गाइज प्लीज़ कोई भी इस साइट से कुछ भी ऑर्डर मत करना क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फेक वेबसाइट है. मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जीमेल एड्रेस भी फ्रॉड है. वो कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया इन्फो, इन्फो डालते ही नीचे आ गया info@trendsuit.com. तो एक बात याद रखना, हमेशा जितने भी फेक वेबसाइट्स हैं यहाँ पर उन सभी का जीमेल एड्रेस info@trendsuit.com से स्टार्ट होता है. तो मैंने यहाँ पर इनका जीमेल एड्रेस डालकर मैसेज कंपोज किया दैट आई रिसीव्ड अ डैमेज प्रोडक्ट और फिर मैंने सेंड कर दिया. फिर जब मैंने वापस अपनी मेल चेक करी तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ मिली और वो ये थी कि द एड्रेस नॉट फाउंड. तो इन्होंने जो जीमेल एड्रेस दिया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो आपकी कंप्लेन कहीं नहीं जाएगी. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इनका अबाउट अस वाला पेज आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, तो वो इसलिए देखिए मैंने दो स्क्रीनशॉट डाले हैं म्यावारा और लिली अटायर का. और आप देखना है इनकी लाइन टू लाइन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मतलब दोनों फेक हैं.